हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हूं नेमत और आज की रेसिपी है गोभी आलू की सब्जी। बहुत ही कम तेल और मसाले से ये सब्जी तैयार की गई है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनती है। और इस सब्जी की खास बात यह है कि जिन लोगों को गोभी हज़म नहीं होता उन्हें भी ये सब्जी बहुत आसानी से हज़म हो जाती है और पेट में गैस नहीं बनती। सब्जी को पकाने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है, 2 बड़ी मिर्चों को काट कर डाला है और 5-6 जड़ लहसुन को बारीक कतर कर डाला है। गोभी मैंने 300 ग्राम का लिया है और आलू भी इतना ही लिया है। गोभी को छीलकर धोकर काट लेना है, इसे गर्म पानी से धो लेना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर सब्जी को पकाने के लिए एक थिक बॉटम आयरन स्केलेट इस्तेमाल किया जाए तो 10 से 12 मिनट में सब्जी तैयार हो जाती है और इसमें आयरन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। साथ ही सब्जी को बार बार उलट पलट कर चलाना नहीं चाहिए, इससे अंदर की स्टीम एस्केप कर जाती है जिससे सब्जी के गलने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो सब्जी एक बार डाल लेने के बाद हमने यहाँ पर ढेर सारा चॉप टमाटर इस्तेमाल किया है और ढेर सारा पत्तेदार हरी प्याज इस्तेमाल किया है। हरी प्याज के इस्तेमाल से इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा होता है और टेस्ट का तो कहना ही नहीं, बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया और 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर इस्तेमाल किया है। 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला डाल लेना है और कुछ गरम मसाले को हम लास्ट में भूनते वक्त इस्तेमाल करेंगे। नमक यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर इस्तेमाल किया है और साथ में इसके गलने के लिए हमने थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम इसे ढक कर पकाएंगे तो पानी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। हल्के से सब्जी को हिला दें ताकि नमक और मिर्च चारों तरफ अच्छी तरह से पहुँच जाए। अब इसको हम ढक कर गलने देंगे लगभग 10 से 12 मिनट तक। अब इसके लिए मैंने एक स्पेशल अपना घरेलू पाउडर मसाला तैयार किया है, जिसके लिए मैंने 1/2 टीस्पून अजवाइन लिया है, 1/2 टीस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून हमने अमचूर पाउडर लिया है। ये सब्ज़ी के जायके को बढ़ा देता है। साथ ही आप चाहें तो यहाँ पर 2 चुटकी हींग भी इस्तेमाल कर लें। इस पाउडर को बनाकर तैयार कर लें और एक तरफ रख दें। अब 7-8 मिनट के बाद हमने सब्ज़ी को खोला है, हल्के से इसे फिर पलट लेना है। सब्ज़ी गलने के ये जैसी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें ना ज़्यादा तेल है ना ज़्यादा मसाला है। ये सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी हज़म होने वाली है। साथ ही इस सब्ज़ी को अगर आप बनाकर ढेर सारा रख लें तो इससे ब्रेड सैंडविच बहुत अच्छा बनता है। देखिए आलू गल चुका है, तो अब यहाँ पर हम इसमें ढेर सारा धनिया की पत्ती डालेंगे और वो मसाला जो हमने पाउडर मसाला बनाकर तैयार किया था उसे भी यहीं पर डाल देना है। अब आप अपनी पसंद का कुछ पाउडर मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, या कुछ मसाले को बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि जो अजवाइन हमने डाला है उसे भूनकर और हाथों से क्रश करके डालें और जो गोभी आप इस्तेमाल करें वो बिल्कुल टेंडर हो, फ्रेश हो। और आलू भी हमने यहाँ पर नया इस्तेमाल किया है। तो अब आप सब्ज़ी का फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल गल कर रेडी हो चुका है, ना इसमें तेल ज़्यादा है ना मसाला ज़्यादा है, गर्मा गर्म बिल्कुल गली हुई सब्ज़ी है। तो इस सब्ज़ी को आप बनाएं, खाएं और पसंद आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों के साथ हमारी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी अगली रेसिपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।